शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 67। ये वर्कशीट आपकी 6 to 8 क्लास की है, मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। ये आपके दोनों लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसके अलावा इसको आप लोग साइंस की वर्कशीट कह सकते हैं और साइंस की कॉपी में कर भी सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोग से पहले ही कहा था कि अब आपकी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट अलग अलग आ रही है, तो आप लोग उन्हें सब्जेक्ट्स की कॉपी में करें, और जो 6 to 8 की वर्कशीट आती है उसके लिए आप एक ही कॉपी बना लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसे सबसे पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 67 डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कि देखते हैं आज इसमें पढ़ना क्या है। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधे के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। ठीक है, यानी बच्ची एक पानी दे रही थी हर रोज़ की तरह पेड़ों में, तो उसने देखा कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि बड़े वाले पेड़ के पास जो है मधुमक्खी ने अपना छत्ता लगा लिया है। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा हुआ पढ़ा था, यानी अभी तक उसने सिर्फ मधुमक्खी के छत्ते को कहाँ देखा था, किताबों में और देखा और पढ़ा था या नेट वगैरह पे देखा होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आप में से किसने रियल में मधुमक्खी का छत्ता देखा है। मैंने तो देखा है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि आप में से किसने देखा है। और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश, यानी कि देखो अब क्या उस बच्ची ने किताबें पढ़ी तो उसे पता है कि मधुमक्खी के छत्ते के पास से हमें दूर रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हम मधुमक्खी के छत्ते पास जाएंगे तो उनको लगेगा कि हम उनका छत्ता छू रहे हैं या उनको लेने आए हैं, तो उन्हें लगेगा कि ये मेरे लिए ख़तरा है, इसलिए फटाक से वो आगे आपको काट लेंगे। ठीक है, तो वही कह रही है, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता कि इससे दूर रहना चाहिए तो जिज्ञासा यानी खुशी के मारे मैं उसे जो है छू लिया होता। ठीक है, या मैं उसे छू लेती और मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती, जब मैं उसको छूती तो मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। ये आपने पढ़ लिया, अब देखते हैं, आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करते, यानी और ज़्यादा मज़े की जानकारियाँ प्राप्त करते। क्या जानकारी, देखिए आपको यहाँ मधुमक्खी का छत्ता दिया गया है। ठीक, और यहाँ आपको उसका थोड़ा सा जूम करके फ़ोटो दिखाया गया है कि वो किस शेप का है, कैसा है। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे गूगल का आपको फ़ोटो दिखा दिया है पहले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मधुमक्खी का जो शेप है पूरे छत्ते को अगर हम देखें तो हाफ ओवल जैसा भी होता है कभी कभार, और कभी कभार सर्कल भी होता है। तो इस वजह से अब हमने जो इसके अंदर के छेद हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया है कि मधुमक्खी के छत्ते के प्रतिकोष जो है ये प्रतिकोष का आकार कैसा होता है, यानी इसका जो हनीकॉम का जो शेप है उसका कैसा होता है। तो हमने बता दिया कैसा होता है, हेक्सागोनिकल आकार होता है इसका। ये देखिए यहाँ मैंने आपका गूगल का स्क्रीनशॉट लगा दिया तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होता है। ठीक है, अब देखिए मधुमक्खी के छत्ते की बात हो रही है तो छत्ते में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर शहद भी आता है। तो अब हम पूरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कच्चा मधुकोश यानी मधुमक्खी का जो छत्ता है विटामिन, कैल्शियम, लोहा यानी कि आपका आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट के साथ जाम से भरा होता है, यानी इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसमें आपका शहद भी होता है। ठीक है, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना और अपने शरीर को अन्य पोषक तत्व देना से ये जो है ये चीज़ें आपको देती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो देखिए कैसे मधुमक्खियाँ हमारे द्वारा खाए जाने वाली चीज़ों की एक तिहाई के बारे में पराग करती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे अब आपने देखा होगा कि पराग यानी कि वो जो शहद निकालती है ना परागण, ठीक है, उसको कहते कर लेती हैं और ग्रह की पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट आंसर बताया, अगर आप इसे डिटेल में जाएंगे तो ये आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा इतना समझिए कि कोई भी गॉड ने एक छोटा सा कीड़ा भी बनाया ना तो वो भी जो आपका इकोसिस्टम है या पारिस्थितिक तंत्र है उसमें मदद करता है। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से लिख लेंगे कि ये जो है हमारे जो अर्थ का पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कैसे निभाती है, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो हमें सारी उसको इकट्ठा करती है, जो भी आपके शहद फूलों का रस वगैरह होता है उसको इकट्ठा करती है ना, और इकट्ठा करने के बाद क्या करती है, फिर वो अपने घर में ले जाती है और वहाँ ले जाके क्या बनाती है, शहद बनाती हैं, फिर वो शायद हम लोग खाते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग फेंक देते हैं, छोटे छोटे और कीड़े मकोड़े वो उन्हें आके खा उठा ले जाते हैं, खा लेते हैं, नहीं तो उनकी बेहुमती हो है ना, वो वेस्ट हो। तो इस तरह से सब हमारे पार्टिकल्स, जो भी छोटे से छोटा कीड़ा भी है ना, तो वो भी हमारे उसको मदद करता है, इको सिस्टम को बैलेंस्ड बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। तो मैंने कुछ लिख दिए, जैसे केंचुआ। अब आपका जो केंचुआ है ये क्या करता है, मिट्टी को खाता है, और मिट्टी को खाता है और जब ये अपना मतलब वेस्ट निकालता है तो वो जो है वो क्या होता है, आपका उपजाऊ मिट्टी बन चुकी होती है। इसी तरह से चींटी, आपके घर में आटा गिर जाए या कुछ गिर जाए वो वेस्ट होता है ना, और चींटियाँ क्या करती हैं, उसे उठा के ले जाती हैं, ठीक। तो इस तरह से वो भी हेल्प करती हैं। आपके बर्ड्स वगैरह हैं तो आपका कुछ ऊपर पेड़ पे, वो बर्ड्स तो बहुत हेल्प करती है, पता है आपको, पेड़ जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीज खा लेती हैं वो, ठीक। और बीज खा के कहीं और जाके जब वो अपनी वेस्ट निकालती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक नया पेड़ निकल आता है। तो इस तरह से हर चीज़ जो भी गॉड ने हमें हमारे पृथ्वी में बनाई है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पर्यावरण प्रणाली को बनाने में और उसको सुरक्षित करने में या उसको बैलेंस्ड करने में मदद करती हैं। इसी तरह से मक्खी और बहुत सारी भी चीज़ें हैं जो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्कशीट पूरी होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।